ओला, आज हम बात करने वाले हैं पीटी 365 इकोनॉमिक्स 2021। ये इम्पोर्टेंट है फिल्म 2021 के लिए, और यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि हमने 6 एपिसोड या 6 लेक्चर्स कवर कर रखे हैं, जो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट है पीटी 365 इकोनॉमिक्स के बारे में। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप लिंक में जा सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम का भी है, जहाँ पर मैं डेली न्यूज़ जो अफेयर्स हैं वो करंट अफेयर्स हैं वो अपडेट करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप उसको देख सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। तो अब मेन काम है लाइक से सब्सक्राइब करें चैनल को, और हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला लेक्चर वो है। और हम इसी से बस स्टार्ट करने वाले हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, जो कि इंडस्ट्री एंड एसोसिएट इशूज़ के अंडर एक सब हेडिंग है। रिसेंटली कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 अमेंड हुआ है, तो पहले कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में जान लेते हैं। ये लॉ रेगुलेट करता है, ये इनकॉर्पोरेट करता है बड़े सारी कंपनी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डायरेक्टर्स डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। ये इस एक्ट में मैंडेटरी हो गया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करती है लार्ज कंपनी सोशल फंड्स में, जो उनको करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी थी, और एनक्लैट मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश हुआ था इस एक्ट के अंदर। तो बैकग्राउंड क्या है इसका, बैकग्राउंड ये है कि कंपनीज एक्ट जो अमेंड हुआ है वो कंपनी लॉ कमेटी के ऊपर बेस्ड है, जो कि सेटअप हुई थी चेयरमैन श्री इंजीति श्रीनिवास 2019 का। ये इम्पॉर्टेंट कमेटी थी। CLC विच इज़ कंपनी लॉ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट इस व्यू में हुई थी कि वो डीक्रिमिनलाइज कर रही है ऑफेंस को, और प्रोवाइड कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि पार्ट था गवर्नमेंट का कोविड रिलीफ पैकेज कॉर्पोरेट्स को और अदर स्टेक होल्डर्स को। तो क्या क्या अमेंडमेंट है इसमें, पहला है डीक्रिमिनलाइज कर रहा है ऑफेंस को। ये अमेंडमेंट रिमूव कर रहा है पेनल्टी जो इम्प्रिजमेंट देती है 9 ऑफेंसेस को, जो रिलेटेड है नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर्स ऑफ एनक्लैट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और रिड्यूस कर रही है अमाउंट का जो फाइन है कुछ सर्टन केसेस में। हाउएवर यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है अगर आप सीरियस ऑफेंस में हो, जैसे फ्रॉड में, दोज दैट कॉज इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हो और उनको धोखाधड़ी कर रहे हो। ये एक्ट, इस एक्ट में 1% जो कंपनी है, स्मॉल कंपनीज है, वो लाइबल है कि वो पे करे अप टू 50% ऑफ द पेनल्टी कुछ सर्टन ऑफेंस में। अमेंडमेंट एक्सटेंड कर रहा है प्रोविजन जो बड़े सारे प्रोड्यूसर और कंपनीज के साथ है और स्टार्टअप कंपनीज के साथ है। एक्सक्लूसिव लिस्ट है यहाँ पे कंपनीज की। ये अमेंडमेंट एम्पावर करता है सेंटर को कि वो कंसल्ट करे सेबी के साथ, ताकि वो एक्सक्लूड करे कंपनी जो इशू कर रही है स्पेसिफिक क्लास ऑफ सिक्योरिटी, और ये उससे भी डेफिनेशन जो है लिस्ट कंपनी उसका भी ये चीज़ देखती है, ठीक है। प्रोड्यूसर कंपनीज क्या है अंडर दिस एक्ट, क्या होता है 2013 का जो एक्ट है, कुछ प्रोविजंस जो कंपनीज एक्ट 1856 के हैं वो कंटिन्यू होते हैं और अप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर कंपनीज को। ये इंक्लूड करते हैं प्रोविजन जैसे मेंबरशिप हो गया, कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स हो गई, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट हो गया। ये अमेंडमेंट रिमूव कर रहा है कुछ प्रोविजन और नया चैप्टर ऐड कर रहा है इस प्रोविजन में, जो कि सिमिलर है प्रोड्यूसर कंपनीज में, और ये पर्टिकुलरली बेनिफिट करे फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनीज को। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। 2013 के एक्ट में हमने अभी पढ़ा है कंपनीज की जो नेटवर्थ है या टर्नओवर या प्रॉफिट है जो अबव स्पेसिफाइड अमाउंट है, वो आपका जो रिक्वायर्ड है कॉन्स्टिट्यूट करे CSR कमेटी और स्पेंड करे 2% एवरेज नेट प्रॉफिट का लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स टूवर्ड्स CSR पॉलिसी। इस अमेंडमेंट में एग्जेम्पशन दिए कंपनीज को कि वो उनकी जो CSR लाइबिलिटी है जो 50 लाख अ ईयर होती है सेटिंग अप CSR कमेटी, कंपनीज लाइबल है, एलिजिबल कंपनीज लाइबल है कि वो CSR के अंडर वो अलाउड है कि वो सेटअप कर सकती है कोई भी अमाउंट जो स्पेंड हुआ है एक्सेस में CSR फंडिंग में किसी पर्टिकुलर ईयर में, और वो ऑब्लिगेशन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में देखी जाएगी। बेंचेस के हैं एनक्लैट के, ये अमेंडमेंट इस्टेब्लिश करता है कुछ बेंचेस एनक्लैट में दिल्ली में, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल दिल्ली।
रेम्यूनरेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस, ये डायरेक्टर्स जो है अमेंडमेंट ये एक्सटेंड करता है स्पेशल प्रोविजन जो पेमेंट से रिलेटेड है, रेम्यूनरेशन या किसी भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आते हैं अगर कंपनी के पास एडिक्वेट या कोई प्रॉफिट नहीं है ईयर में तो। रिलेटेड न्यूज़ का इससे फैक्ट्री रेगुलेटरी बिल 2020 का, रिसेंटली फैक्ट्री रेगुलेटरी बिल जो है पास हुआ था सिर्फ लोकसभा में और ये अमेंडमेंट सीक करता है, ये अमेंड करता है पहले तो 2011 का जो फैक्ट्री रेगुलेशन है ताकि वो स्कोप को बढ़ा दे और इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दे जो इंगेज है फैक्ट्री बिजनेस में। ये बिल हेल्प करता है MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और उनको प्रोवाइड करता है एडिशनल एवेन्यूज ताकि उनको क्रेडिट मिल जाए इजीली थ्रू ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS। TREDS एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करता है फाइनेंसिंग और डिस्काउंट करता है ट्रेड रिसीवेबल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मल्टीपल फाइनेंसर्स के थ्रू। ये रिसीव करते हैं ड्यू फ्रॉम कंपनीज और अदर बायर्स, ये इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यहाँ ये सेटअप हुआ था SIDBI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2016 में इस पर्पज़ के लिए। 2011 का जो एक्ट है ये एनैक्ट होता है, प्रोवाइड करता है रेगुलेशन असाइनमेंट जो रिसीवेबल होती है फैक्टर्स को, रजिस्टर करते हैं फैक्टर्स जो कैरी आउट करते हैं फैक्टरिंग बिजनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं असाइनमेंट रिसीवेबल। पहला है फैक्टरिंग बिजनेस, ये एक बिजनेस एंटिटी है जहाँ पे एक्वायर करता है रिसीवेबल ऑफ अनदर एंटिटी किसी अमाउंट के लिए। रिसीवेबल एक टोटल अमाउंट है जो ओन्ड होता है येट ये पेड होता है कस्टमर के द्वारा जो असाइन होता है यूज़ ऑफ एनी गुड सर्विसेज ऑफ फैकल्टी। फैक्टर ये है, ये फैक्टर एक बैंक है और रजिस्टर होता है नॉन NBFCs के साथ और रजिस्टर होता है अंडर कंपनीज एक्ट 7.2। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग का। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन और इंटरनल ट्रेड DPIIT कोलैबोरेट कर रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ और इन्हें रिलीज करे 4th edition जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRBA जो रैंक करता है स्टेट्स को। हमने इसका इकोनॉमिक्स में ही देखा है BRPA का तो आप उससे ईज आउट मतलब उससे आप देख सकते हो आराम से और प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स की हमने पढ़ा है। DPIIT डेवलप हुआ है BRAP जो स्टेट का रिफॉर्म्स कर रहा है 2015 से और ये सर्कुलेट होता है स्टेट UTs में जो इम्प्लीमेंट करता है। ये डिज़ाइन जो इसका हुआ था वो दो फैक्टर्स पे होता है मेजरेबिलिटी और कंपैरेटिबिलिटी अक्रॉस द स्टेट। अंडर BRPA DPIIT प्रोवाइड करता है रिकमेंडेशन जो रिड्यूस करता है टाइम और जो एफर्ट डालते हैं बिजनेस में और कंप्लायंस करता है आपका रेगुलेशन के साथ। ये रिकमेंड करता है स्टेट को कि आपके पास एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा जो प्रोवाइड करेगा जितने भी इंफॉर्मेशन है परमिट में और लाइसेंस में अगर कोई स्टार्ट कर रहा है बिजनेस तो। DPIIT रिकमेंड कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस जो एक्सटेंड हो सकता है और रिन्यू हो सकता है ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन या थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। ये स्टेट रिवॉर्ड करता है एक सेट ऑफ रेगुलेशन जैसे लेबर हो गया एनवायरमेंट मेंटल लॉस हो गया और ये नॉट एप्लीकेबल है उस पर। BRAP एम करता है अचीव करता है बड़े सारे ऑब्जेक्टिव जो अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज करता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का हर स्टेट में और इंट्रोड्यूस करता है एक एलिमेंट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन रैंकिंग में। BRAP रिपोर्ट 2018-19 की ये इंक्लूड करता है 180 रिफॉर्म्स जो कवर करता है 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज जैसे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सिंगल विंडो लेबर और एनवायरनमेंट। पहली बार ऐसा हुआ है सिंस इंसेप्शन 2015 का BRPA जो है रैंकिंग करता है इंटायरली फीडबैक पे रहता है और रिसीव होता है बिजनेस पे और यहाँ पे जो स्टेट है वो रिक्वायर्ड है कि उनको सबमिट करना पड़ेगा प्रूफ कि क्या उन्हें इम्प्लीमेंट करा है रिफॉर्म और ये पोर्टल पे करते हैं DPIIT EODB पोर्टल और सबमिट करते हैं बड़े सारे लिस्ट जो रिफॉर्म्स के होते हैं। यहाँ पे रैंकिंग कैटेगरीज होती है टॉप अचीवर्स फास्ट मूवर्स और एस्पिरीज जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो टॉप अचीवर्स अच्छी होती है 95% से ऊपर का है, अचीवर्स 90-95% है, फास्ट मूवर्स 80-90% और एस्पिरीज बिलो 80%। ठीक है तो यहाँ पे आप देख देते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक जो टॉप 10 पे है 2019 का, 2018 तक का देख लो भाई यहाँ पे है। आई थिंक इसका हमने रैंक भी देखा था
यहाँ पे आंध्र प्रदेश है आपका 2018 का, उत्तर प्रदेश सेकंड पे, थर्ड मध्य प्रदेश, फिफ्थ झारखंड, छः छत्तीसगढ़, सेवन्थ, और ये सब आप देख सकते हो पूरे क्रोनोलॉजी में। यहाँ पे न्यू गाइडलाइंस आई हैं जो इम्प्रूव करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे आईटी इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली बीपीओ और आईटी इनेबल सर्विसेज। ओएसपी इंटाइटल है कि वो प्रोवाइड करे एप्लीकेशन सर्विस। आईटीईएस एक काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज है जो टेलीकॉम सोर्सेज को यूज़ करती है, जो टर्म रेफर करता है बीपीओ या केपीओ और कॉल सेंटर और बड़े सारे सेंटर्स। ओएसपी ऑपरेट करता है वर्क फ्रॉम होम पे, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। ये अलाउ करता है बीपीओ आईटीईएस फर्म जो कट डाउन करता है फैक्ट्रीज की लोकेशन, रेंट फॉर प्रमाइस और बड़े सारे एनसेफरी कॉस्ट, और रिड्यूस करता है कंप्लाइंस बर्डन। और ये इंडिया को एक प्रेफरेंस देता है डेस्टिनेशन जो बीपीओ और केपीओ में है। अमेंडमेंट टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 का क्या है, ये रिसेंटली पब्लिक प्रोक्योरमेंट मेक इन इंडिया ऑर्डर आया 2017 का, जो अमेंड करता है और प्रेफरेंस देता है लोकल सप्लायर्स को। ऑब्वियसली यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट नोटिफाई करता है हाई मिनिमम लोकल कंटेंट कितना होना चाहिए क्लास वन और क्लास टू सप्लायर्स के लिए, जो लोकल सप्लायर्स है। पहले क्या होता है, क्लास वन लोकल सप्लायर्स जो डिफाइन था उसमें जो लोकल कंटेंट होता था वो बराबर होता था या उससे ज़्यादा हो सकता है 50%, और क्लास टू का था आपका जो लोकल कंटेंट होना चाहिए 20-50% है। लोकल कंटेंट मतलब कि टोटल वैल्यू जो आइटम की है प्रोक्योर्ड जो है वो लेस देन होनी चाहिए इम्पोर्ट कंटेंट जो आइटम में, और उसका जो प्रोपोर्शन वैल्यू है टोटल वैल्यू का। स्पेसिफाई करता है फॉरेन सर्टिफिकेशन, अनरीजनेबल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और ब्रांड्स और मॉडल्स जो डॉक्यूमेंट्स में होते हैं, और कंसिडर कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टिव डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस अगेंस्ट लोकल सप्लायर्स। फॉरेन सर्टिफिकेट सुप्लेट होगा जब अप्रूवल आएगा सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। एंटिटीज जो कंपनीज कंट्रीज की है वो अलाउ नहीं कर रही इंडियन कंपनीज को पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। किसी भी प्रोक्योरमेंट किसी भी आइटम का वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में। इसका मतलब है कि मान लो अफ्रीका में अगर कोई कंट्री है वो इंडियन कंट्री को पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा प्रोक्योरमेंट में, तो वाइस वर्सा सेम चीज़ होगी, इंडिया भी अलाउ नहीं करेगा कि वो प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप था और ये एक्सेप्ट करता है, बट एक्सेप्ट जो लिस्ट पब्लिश है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट पर्टेनिंग देयर पार्टिसिपेशन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है प्रोक्योर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं 1,000 करोड़ पर एनम, और ये नोटिफाई करना पड़ेगा उनको प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट 5 ईयर्स में और उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे भी। अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है प्रोक्योरमेंट की वो जाती है बियॉन्ड फॉरेन कंपनीज जो एंटर होगी जॉइंट वेंचर पे, और ये इंडियन कंपनी में आएंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट टेंडर्स पे और नोटिफाई होंगे। पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस जो देता है मेक इन इंडिया को देता है 2017 को, ये इशू हुआ था जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के अंडर। ये प्रमोट करता है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में हो। इस के अंडर रिवाइज होगा 2020 का जून में क्लास वन क्लास टू सप्लायर्स जो हमने अभी देखे हैं लोकल सप्लायर, वो एलिजिबल होंगे कि वो बिड कर सकते हैं प्रोक्योरमेंट गुड सर्विसेज और बड़ी सारी चीज़ जिनका एस्टिमेट वैल्यू परचेज जो लेस होगा देन लेस देन 200 करोड़ का होगा। ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी इशू हो सकती है आफ्टर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि परचेज कर सकती है लेस देन 200 करोड़। ये एप्लीकेबल होगा ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें टर्नकी भी आता है, और ये सेंट्रल सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिस और ऑटोनॉमस बॉडी जो कंट्रोल होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जॉइंट वेंचर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। यहाँ पे वेरिफिकेशन जो लोकल कंटेंट का होगा वो कैसे होगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन मिलेगा जो इनेबल करेगा इसको। नोडल मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट करेगी कमेटी जो इंटरनल एक्सटर्नल मेंबर्स को देखे जो इंडिपेंडेंट होंगी वेरिफिकेशन सेल्फ डिक्लेरेशन का। ये कमेटी देखेगी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड इंटरनल ट्रेड, और ये ओसी देखेगी इम्प्लीमेंटेशन इस ऑर्डर का हो रहा है कि नहीं हो रहा। अदर मेजर्स क्या है, प्रमोशन करेगी ये लोकल सप्लायर्स का पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो एमएसएमई की है 2018 की, ये नोटिफाई करती है
एमएसएमई एक्ट के अंडर 2006 का। यहाँ पे हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पीएसयू का एनुअल टारगेट 25% रहेगा प्रोक्योरमेंट फॉर्म एमएसएमई, और सब टारगेट जो है 4-3% होगा आउट ऑफ 25% जो इमार्क्ड होगा एमएससी में। और ये एससी और एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में होगा रिस्पेक्टिवली। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, ये 2016 में लॉन्च हुई थी। एंड टू एंड ई पोर्टल प्रोक्योर करता है कॉमन यूज जो गोड्स और सर्विसेज का होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयूज के द्वारा जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, लोकल बॉडीज है। पोर्टल ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, और ये इंटीग्रेट करता है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के अंडर। इनडायरेक्टली मूव करता है यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, और इसका जो एम है ब्रिंग करता है ट्रांसपेरेंसी, प्रोमोट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करता है प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। जो परचेज होता है जीईएम गवर्नमेंट के थ्रू वो मैंडेटरी करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। 7.4 का है आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, ये भी नया न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमें देखना चाहिए क्योंकि ये इवेंचुअली इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स में सेटअप हुई थी, उन्होंने अप्रूव करा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नॉर्थ जो साउथ और लॉजिस्टिक हब जैसे यूपी में। डबल सीईए ने अप्रूव करा है कि वो कंस्ट्रक्ट करेगी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नॉर्थ्स, कहाँ कहाँ, एक तो कृष्णपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, एक है तुमकारू जो कि आपका है कर्नाटका, और ये आता है अंडर चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सीबीआईसी, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल नॉर्थ एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में रहते हैं जो प्रपोज करते हैं, डेवलप करते हैं विद इन द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, प्रोवाइड करते हैं कुछ ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज़, और यहाँ पे सस्टेनेबल प्लग एंड प्ले आता है, आईसीटी इनेबल करते हैं यूटिलिटीज़, लैंड पार्सल जो इमीडिएट अलॉटमेंट करती है, अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट इनटू मैन्युफैक्चरिंग, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रोड एंड रेलवे कनेक्टिविटी का है यहाँ पे, फ्रिट मूवमेंट का जो कि होता है फ्रॉम पोर्ट्स, लॉजिस्टिकल हब्स होते हैं और वो लाया करते हैं पावर और क्वालिटी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यहाँ पे सीबीआईसी एड्रेस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक जो कि बेनिफिट करता है, स्ट्रेंथ करता है कॉम्पिटिटिवनेस हर स्टेट में जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ऑल्सो जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल हब है MMLH जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है वो अप्रूव हुई थी ग्रेटर नोएडा में, जो कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है एज अ ग्लोबल वैल्यू चेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडिया में। एक तो हम पहले मेजर चीज़ों की बात कर लेते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये आपका कनेक्ट कहाँ से कहाँ तक कर रहा है आप देख सकते हो, दिल्ली से जा रहा है, और फिर उसके बाद अगर मैं साउथ में जाऊँ तो यहाँ पे आपका बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, और ये इवेंचुअली कनेक्ट कर रहा है, फिर चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर है जो हमने अभी देखा कि नॉर्थ करा है इसको इवेंचुअली, और फिर आपका यहाँ पे अन्ना कपिला कुछ ऐसे कुछ इसका लाइन है आई डोंट नो, और यहाँ पे फिर ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है जो आपका इधर साइड पे आपका तमिलनाडु के ऊपर जो है आंध्र प्रदेश वाले साइड पे, और फिर आपका ये डॉट जो है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप देख सकते हो, अमृतसर से होता हुआ आपका कोलकाता जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा कॉरिडोर है क्योंकि इवेंचुअली कोलकाता से भी ट्रेड होती है। अटल टनल है, जोइला टनल है, और नॉर्थ ईस्ट में तो नेचीप्यू टनल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं हम, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप है जो ग्रेटर नोएडा में है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप है आपका मध्य प्रदेश में विक्रम उपगिरी, और अहमदाबाद में है धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, फिर आपका शेंदरा बितकिन इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और यहाँ पे कुछ 7 चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, राजपुरा पंजाब में, सहा आईएमसी हरियाणा, खुरपाई प्रयाग आईएमसी उत्तराखंड, भावपुर आईएमसी उत्तर प्रदेश, घमोरिया आईएमसी बिहार, बाहरी आईएमसी झारखंड, रघुनाथपुर आईएमसी वेस्ट बंगाल, और फिर आपका साउथ में कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश, पोनारी तमिलनाडु, और तुनकूरू आपका कर्नाटका में।
लास्ट जो न्यूज़ है इस सेवन्थ की, इसका एक पार्ट है ये, दूसरा पार्ट मैं निकालूंगा, उसमें सेवन्थ का पूरा कवर कर दूंगा। 10 इसमें थे टॉपिक्स, उसमें पे आधे मैंने कवर कर लिया, आधे नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है एडिशन ऑफ 10 सेक्टर्स प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में, PLI स्कीम में। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या है, ये रेफर करता है, रिपोर्ट करता है जो प्रोड्यूसर्स को दिए जाते हैं। रिपोर्ट कैलकुलेट होता है सर्टन परसेंटेज जो सेल्स का होता है प्रोड्यूसर का, ये सिर्फ रेफर होता है जो टोटल सेल्स होते हैं और इंक्रीमेंटल सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है जो PLI से स्कीम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, ऑफर करते हैं, रिपोर्ट करती है 4 to 6% इंक्रीमेंटल सेल्स प्रोड्यूसर की। गवर्नमेंट ने अनाउंस कराए PLI स्कीम्स इंडिया में, बिफोर दिस अनाउंसमेंट सेंट्रल ने रोल आउट कराए PLI स्कीम्स जो ऑलरेडी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं क्रिटिकल की स्टार्टिंग में होते हैं, मटेरियल पे ड्रग्स इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स सॉरी और मैन्युफैक्चर करता है मेडिकल डिवाइसेस का। इसमें आपका अनाउंसमेंट में गवर्नमेंट ने एक्सपेंड करा है सेक्टर्स और कुछ स्कीम्स जो 10 सेक्टर्स में आते हैं, और उसका इंसेंटिव वर्थ है 2 लाख करोड़ का जो 5 साल में होता है। यहाँ पे एडिशनल सेक्टर्स कौन कौन से, एडवांस केमिस्ट्री सेल, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम और टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉडल्स, वाइट गुड्स जैसे AC, LED, स्पेशलिटी स्टील। फाइनल प्रपोजल जो PLI का आता है इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल सेक्टर्स का, वो अप्रेज होता है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के द्वारा EFC और अप्रूव होता है कैबिनेट के द्वारा। सेविंग की बात करें तो ये 1 PLI स्कीम से होता है जो अप्रूव होता है सेक्टर की और यूटिलाइज होता है किसी फंड में जो अनदर अप्रूव सेक्टर में होता है। कोई भी सेक्टर जो PLI रिक्वायर करता है फ्रेश करें अप्रूवल कैबिनेट का, उसमें क्या होता है जो नेचर ऑफ स्कीम है वो फॉलो कर सकता है कुछ फीचर्स। जैसे पहला है, स्कीम एक आउटकम बेस्ड रहती है, जिसका मतलब ये है कि इंसेंटिव डिस्पर्स होंगे मतलब मिलेंगे आफ्टर प्रोडक्शन। सेकेंड है, कैलकुलेशन इंसेंटिव का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पर रहता है और हाई रेट पर रहता है। स्कीम फोकस करता है साइज स्केल और सिलेक्ट करता है प्लेयर्स जो डिलीवर कर सकते हैं वॉल्यूम पे। सिलेक्शन ऑफ सेक्टर्स कवर करता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे, सेक्टर्स फॉर इंटीग्रेशन जो ग्लोबल वैल्यू के साथ ग्लोबल वैल्यू चेंज पे होता है, जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स और सेक्टर्स जो रूरल इकोनॉमी में रहते हैं और हाईली कैलिब्रेटेड रहते हैं। लास्ट ये है कि डिज़ाइन जो अलियर PLI स्कीम का था इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो कंपैटिबल है WTO कमिटमेंट के द्वारा और ये क्वांटम सपोर्ट देता है जो डायरेक्टली लिंक नहीं है एक्सपोर्ट और वैल्यू एडिशन में। इसी के साथ ही ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट में हम और बात करेंगे, तब तक के लिए बाय।